नमस्कार, मैं छत्तीसगढ़ अखबार के यूट्यूब चैनल इंडिया आजकल के स्टूडियो से सुनील कुमार। एक बड़े दिलचस्प मुद्दे पर आपके बीच आज हूँ मैं यहाँ पर कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जिसकी दुनिया भर में चर्चा है और जो लोग ऊपर के स्तर पर काम करते हैं, किसी भी कंपनी में बड़े ओहदों पर हाई टेक्नोलॉजी का काम करते हैं, उनके बीच में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का और अधिक चर्चा है। अभी तक ये लग रहा था कि जो कॉल सेंटर हैं, जहां लोग फ़ोन उठाते हैं, कस्टमर केयर कॉल सेंटर, जहां फ़ोन उठाते हैं, कहते हैं मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूं या कर सकती हूं, लोग बतलाते हैं मेरे पास आपके कंपनी का एक फ्रिज है, उसका ये मॉडल है, उसमें ये खराबी आ गई है, क्या करूं, तो लोग जो हैं, जो इंसान कॉल सेंटर में अभी काम करते हैं, ये वो लोग अपने कंप्यूटर पे डली हुई जानकारी को सर्च करते चलते हैं और बतलाते हैं कि आप एक काम कीजिए, इसकी ये बटन बंद करके देखिए, ये शुरू करके देखिए। ऐसा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के आने के बाद ये लग रहा था कि कॉल सेंटर जैसे, कंप्लेंट नोट करने वाले लोगों जैसे, कस्टमर केयर में काम करने वाले लोग, इनकी नौकरी बड़ी संख्या में जाएगी और ये हुआ भी है। ये छंटनी जगह जगह शुरू हो गई है, केवल उन्हीं जगहों पे ये शुरू नहीं हुई है जहां हिंदुस्तान जैसे सस्ते कामगार मौजूद हैं। हिंदुस्तान में 8 घंटे की एक शिफ्ट लोग जितने पैसे में करने को तैयार रहते हैं कॉल सेंटर में या कस्टमर केयर में, इतना अमेरिका जैसे देश में 1 घंटे काम करने का पैसा मिलता है, यहाँ 8 घंटे काम करने को तैयार रहते हैं। तो यहाँ भी इंसान उतने महंगे नहीं हैं जितने कि विकसित, संपन्न और पश्चिमी देशों में हैं, इसलिए यहाँ पर तो कुछ हद तक अभी नौकरी नहीं जा रही है। लेकिन पूरी दुनिया का अगर देखें तो एलन मस्क जैसे लोग, जो कि टेस्ला ब्रांड से दुनिया की कार बनाने वाली, बैटरी कार बनाने वाली सबसे बड़ी कंपनी के मालिक हैं, वो लगातार इस बात की चेतावनी देते आ रहे हैं कि दुनिया में बहुत बड़ी संख्या में नौकरियां जाएगी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की वजह से। वो एआई का एक और खतरा बता रहे थे कि एआई का इस्तेमाल इतना बढ़ जाएगा कि उसके लिए इतनी बिजली लगेगी कि बिजली के ट्रांसफार्मर कम पड़ने लगेंगे। तो उन्होंने अभी कुछ महीने पहले ये कहा था कि पूरी दुनिया को बिजली के ट्रांसफार्मर बनाना, बढ़ाना चाहिए, उसके ऊपर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि एआई का इस्तेमाल इतना बढ़ेगा कि बिजली कम पड़ने लगेगी। अब इसमें कुछ चीज़ें जो मैं अपने स्तर पर देख रहा हूँ वो आपको बताता हूँ। व्हाट्सएप जो है, जिसका इस्तेमाल हम आप सभी लोग करते हैं, ये फेसबुक की ही मालिकाना कंपनी मेटा, उसी का एक प्रोडक्ट है व्हाट्सएप, इन्हीं का इंस्टाग्राम भी है। व्हाट्सएप ने अभी कम से कम एंड्रॉयड फ़ोन पे, जो मैं इस्तेमाल करता हूँ, मुझको एप्पल के फ़ोन का नहीं मालूम है कि उसमें ये फीचर उन्होंने डाला है कि नहीं, लेकिन मैं अपने एंड्रॉयड फ़ोन पर व्हाट्सएप में जाकर मेटा सर्च कर सकता हूँ तो मुझको एक चैट विंडो खुल जाती है, जैसे कि मैं मेटा नाम के किसी व्यक्ति से बात कर रहा हूँ। मैं वहाँ पर अपने मर्जी की एक तस्वीर बनाना चाहता हूँ, केवल टेक्स्ट से, केवल शब्दों से मैं तस्वीर बना सकता हूँ, तो मैं उसमें तस्वीर डालता हूँ। अभी मैंने 2 दिन पहले एक तस्वीर उसी से बनाई थी, एआई से, और उसको एक यूट्यूब के पोस्टर में इस्तेमाल किया था। मैंने लिखा था उसमें कि, अंग्रेज़ी में लिखा था कि एक हिंदुस्तानी शराबी सड़क पर बैठा हुआ, उसने 7-8 सेकंड के भीतर मुझको एक ऐसी तस्वीर बना के दे दी जो कैमरे से खींची हुई या पेंटिंग जैसी तस्वीर दिख रही थी। उसमें सचमुच में एक हिंदुस्तानी सड़क पर, हिंदुस्तानी बस के किनारे हिंदुस्तानी आदमी बैठा हुआ, उसके किनारे बोतल खाली पड़ी हुई है, उसने बना दिया। फिर मुझको लगा इसमें फिर बदल करना है, मैंने कहा इस शराबी की पगड़ी हटा दो, तो उसने पगड़ी हटा दी। तो मैं जैसा चाहे वैसा चेंज कर सकता हूँ उसमें, इस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से मैं डाल सकता हूँ कि इसका रंग थोड़ा सांवला कर दो या रंग थोड़ा गोरा कर दो, या मैं कह सकता हूँ कि इसका वजन थोड़ा बढ़ाओ, ये ज़्यादा दुबले इंसान की बना दी है फोटो। तो 5-7 सेकेंड में ही मेटा जो है मुझको थोड़े ज़्यादा वजन वाली,
तस्वीर बना के दिखा देता है जिसमें थोड़े गाल भरे हैं, थोड़ा बदन भारी है, ऐसा दिखा देता है। तो मैं पिछले एक महीनों में बहुत सारी तस्वीरें मेटा से इस तरह से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से बना रहा हूँ। मैं अपने तजुर्बे से अलग अगर बात करूँ तो दुनिया की बहुत सारी कंपनियों में इसका इस्तेमाल अलग अलग स्तर पर बढ़ते चल रहा है। पहले लग रहा था कि जो बाबूगिरी के काम हैं, जो टेलीफोन अटेंड करने के काम हैं, जो हाजिरी लगाने के काम हैं, ऐसे काम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आसानी से, रिपीटेटिव वर्क जिसको कहते हैं, दोहराव वाले काम, उनको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रोबो की तरह ज़्यादा आसानी से कर लेंगे। अब न्यूयॉर्क टाइम्स की कल की एक रिपोर्ट ये कहती है कि दुनिया की कुछ कंपनियों ने ये कोशिश शुरू की है कि कंपनी के सीईओ यानी मुखिया कंपनी के, उनकी जगह किसी एआई को बिठा दिया जाए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को कंपनी का मुखिया बना दिया जाए। तो पता लग रहा है कि वो कंपनी को किसी इंसानी मुखिया के मुकाबले ज़्यादा अच्छे से चला रहा है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, उस कंपनी को बेहतर तरीके से चला रहा है। एक सर्वे हुआ अभी अमेरिका में, उसमें बहुत सारे सीनियर ऑफिसर्स जो हैं कंपनी के, उनसे पूछा गया कि क्या आप सीनियर पोजीशन पे, सीईओ की पोजीशन पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को देखना चाहेंगे। तो उसमें से करीब आधे ऐसे लोग थे जिनको इसमें कोई दिक्कत नहीं लग रही थी, उनको लग रहा था कि वो ठीक ठाक काम कर सकते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ। अब सवाल ये उठता है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने अगर कंपनियों में बड़ी बड़ी, जिनको की पोजीशन कहते हैं, महत्वपूर्ण जगहों पर, वहाँ पर अगर काम करना शुरू कर दिया, उन कुर्सियों को, ओहदों को संभालना शुरू कर दिया, तो क्या होगा? एक तो ये होगा कि हिंदुस्तानी निजी कंपनियों में भी जो चीज़ धड़ल्ले से चलती है कि खरीदी में, सप्लाई में, किसी में कमीशन खोरी, रिश्वत लेना, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या करेगा? न आल है, ना औलाद है, ना दारू पीने का शौक है, न कोई लड़की से दोस्ती है, कहाँ खर्च करेगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस? तो वो कुछ नहीं करेगा, कोई रिश्वत नहीं लेगा, कोई कमीशन नहीं लेगा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अपने पसंदीदा लोगों को बढ़ावा देना किसी भी कंपनी में होता है। मैं, मेरे माथात जो लोग काम करते हैं, मेरे साथ में जो लोग काम करते हैं, उसमें से कुछ लोग अगर मुझे दूसरों के मुकाबले ज़्यादा पसंद हैं तो मैं उनको बढ़ावा देता हूँ। यहाँ पर मेरा पूर्वाग्रह रहता है, मेरा अपना फैसला रहता है कि नहीं, इसका काम ज़्यादा अच्छा है, ये ज़्यादा समर्पित है, ये हर आड़े वक्त पे मौजूद रहती है, ऐसा। तो ऐसे काम जो हैं, जो कि पूर्वाग्रह की वजह से प्रभावित होते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का पूर्वाग्रह अभी तक नहीं बना है, लेकिन बन जाएगा, अधिक वक्त नहीं लगेगा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अपनी पूरी की पूरी ट्रेनिंग जो है इंसानों के कामकाज से लेता है। जैसे मैं उसको अखबार में मैनेजर बनाकर बिठाऊं, मान लीजिए, तो वो दूसरे अखबार के मैनेजरों के कामकाज के बारे में जितनी जानकारी रहेगी उसको डालना पड़ेगा उसमें, तो उनसे सीखेगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। और जो इंसानी मैनेजर हैं उसके मुकाबले शायद अधिक काबिलियत से इस काम को कर लेगा। इंसान की जो कमजोरियां हैं वो भी नहीं रहेंगी, लेट लतीफ़ी भी नहीं रहेगी, दिन और रात काम करने का फर्क नहीं रहेगा, उसको नींद की ज़रूरत नहीं रहेगी एआई को, ऐसी कई चीज़ें हैं। एआई के परिवार में किसी का निधन नहीं होगा, किसी की शादी नहीं होगी, कोई बीमार नहीं पड़ेंगे। आप सहूलियत सोचिए, किसी भी दफ्तर में, कारखाने में, कारोबार में काम करने वाले जो लोग हैं उनको साल में 52 दिन छुट्टी देनी पड़ती है, हफ्ते में एक दिन कम से कम। इसके अलावा कभी किसी परिवार में कोई बीमार पड़ जाते हैं, किसी को तीर्थ यात्रा की इच्छा होने लगती है, किसी को किसी मनोरंजन के लिए एक दिन की छुट्टी लगती है, कुल मिलाकर लोग जो हैं वो कुछ न कुछ छुट्टी लेते हैं इंसान। लेकिन AI 24/7 साल में 365 दिन काम पे हाजिर, न उसको सोना है, न छुट्टी है, न उसके घर में कोई मर रहा है, न शादी हो रही है, न बच्चे बीमार हैं, न कुछ।
तो एआई जो है वो सीनियर पोजीशन पे अगर उसका इस्तेमाल चालू हो चुका है, अभी अमेरिका में इस्तेमाल शुरू हो गया है, चीन में शुरू हो गया है, कंपनी के मुखिया की जगह एआई को बिठाना, और बड़ा अच्छा तजुर्बा है अभी तक का, तनख्वाह जीरो, आउटपुट 100% या उससे ज़्यादा, कोई छुट्टी नहीं, रात और दिन नहीं, मौसम की बीमारी नहीं, गाड़ी खराब नहीं होती, पेट खराब नहीं होता, एआई जो है नॉन स्टॉप काम करते चलता है। क्या मुकाबला करेंगे इंसान इसका? बहुत मुश्किल है मुकाबला करना। मैं अखबार के संपादक की हैसियत से सोचता हूँ तो हर दिन सुबह मेरे सामने ये समस्या रहती है कि मैं अपने संपादकीय का मुद्दा क्या छांटूँ, किस मुद्दे पर लिखूँ आज संपादकीय, बड़ी दिक्कत होती है। जब कोई मुद्दा पसंद भी आता है तो लगता है कि अरे शायद 2 हफ्ते या 3 हफ्ते पहले ही इस पे लिखा हुआ है। एआई को ये सब सोचने की ज़रूरत नहीं रहेगी, उसको मालूम रहेगा पिछले 20 साल में इस मुद्दे पर कितनी बार लिखा है, कौन से तर्क लिखे हैं, कौन से तर्क दोहराए जा रहे हैं, नए तर्क क्या हो सकते हैं इस मुद्दे पर। हिंदुस्तान के मेरे पसंदीदा जो दूसरे पत्रकार हैं या कॉलमिस्ट हैं, उन्होंने क्या क्या लिखा है, मुझको केवल एआई को एक छोटा सा कमांड देना होगा तो एआई मेरे लिए ये सब चीज़ें ढूंढ के निकाल लेगा। लेकिन कुछ दिन बाद हो सकता है, कुछ महीनों बाद एआई को मैं कहूँ कि मेरे लिखे हुए संपादकीय से आप लिखने की स्टाइल देख लो, इस मुद्दे पे लिखना है, इस मुद्दे पे मेरे तर्क ये हैं, इन तर्कों को पूरा करने के लिए जानकारी आप तथ्य निकाल लो, जो मैंने पहले लिखा है इस विषय पे उसको आप निकाल लो, और निकाल के 1200 शब्दों का या 1600 शब्दों का एक संपादकीय लिख दो मुझको। तो पता लगेगा चौथे मिनट, पांचवे मिनट में एआई ने एक संपादकीय लिख दिया जिसमें ये सारी खूबियां रहेगी, उसमें उस मुद्दे पर मेरे पहले लिखे हुए सारे तर्क शामिल रहेंगे। तो मैं अपनी बात को कहीं काटूंगा नहीं, कोई ये नहीं कह सकेगा आपने 6 महीने ही इस मुद्दे पे इसके खिलाफ लिखा था, आज आप कुछ और बात लिख रहे हो। मुझको तो याद नहीं है, हो सकता है कि मैं अलग अलग समय पर अलग अलग हालात से ख्यालात बदल जाए मेरे, लेकिन एआई के साथ ये दिक्कत नहीं है, वो मेरी स्टाइल में, मेरे मेरे शब्दों में, मैं जैसी जुबान लिखता हूँ उसमें, जो मिसालें मैं देता हूँ वैसी मिसालें निकाल कर, मेरे ही पुराने तर्क, नई घटनाएं, इनको जोड़कर मेरे ही स्टाइल में लिख कर सामने रख सकता है। लेकिन ये तो अभी इस्तेमाल हो रहा है, ये भविष्य का नहीं बता रहा हूँ मैं केवल ये बता रहा हूँ कि अखबार में संपादक की कुर्सी जो है वो भी एआई की वजह से ठीक उसी तरह खतरे की तरफ बढ़ रही है। अभी खतरे में आ गई है नहीं कहूँगा, खतरे की तरफ बढ़ रही है, जिस तरह कई कंपनियों के सीईओ की जगह एआई को रखने की एक कोशिश चल रही है, एक तजुर्बा किया जा रहा है कि कैसे ये हो सकता है। सवाल ये उठता है कि एआई बड़े रफ्तार से हर दर्जे के कामों को खा सकता है, नौकरियों को खा सकता है। मैं आपको एक दूसरी मिसाल देता हूँ जो साल भर से इस्तेमाल हो रही है ब्रिटेन और दूसरी जगहों पर। आप एक्सरे कराते हैं, एक्सरे को देखते हैं, रेडियोलॉजिस्ट देख के बताते हैं कि नहीं अभी तो इनके फेफड़ों में टीबी का कोई निशान नहीं दिख रहा है। मैं गुजरा हुआ हूँ टीबी से, इसलिए मुझको मालूम है कि एक्सरे कितना महत्वपूर्ण होता है टीबी के मरीज के लिए। अब एआई अभी जो कर रहा है, न सिर्फ एक्सरे बल्कि सीटी स्कैन की फिल्म, एमआरआई की फिल्म, इन फिल्मों को देखता है वो, और ऐसी फिल्में वो हजारों दसियों हजार दूसरे मरीजों की देख चुका है। उसके बाद उन मरीजों की दूसरी जांच के साथ में डॉक्टरों ने क्या नतीजा निकाला उसको देख चुका है। तो इसके पहले कि रेडियो डायग्नोसिस करने वाले बतला सकें कि ये जिसके छाती का एमआरआई है इसको अभी तो कोई गठान कैंसर की नहीं दिख रही है, ये रेडियोलॉजिस्ट अभी बता सकते हैं, लेकिन एआई बता सकता है कि इस किस्म की जैसी गठाने इसमें दिख रही हैं, ऐसी गठाने जो उसकी मेमोरी में डाली गई हैं एआई की, उसमें 100 में से 84 में कैंसर निकला था। तो एक हाई प्रोबेबिलिटी,
इतनी बड़ी संभावना अगर है और एआई उसको देख के कुछ पलों में बतला दे रहा है, एमआरआई की फिल्म स्क्रीन पर देखकर, फिल्म की भी जरूरत नहीं, स्क्रीन पर इमेज देखकर, तो डॉक्टर तुरंत उसकी पेशेंट की कई और जांच करवा सकते हैं ताकि कंफर्म हो जाए कि कैंसर है या नहीं है। अब अगर कंपनियों के मुखिया बन रहे हैं एआई, कंपनी के अलग अलग जगहों पे लोग जा रहे हैं, बड़े एक्सपर्ट सुपर स्पेशलिस्ट डॉक्टर जो हैं उनका काम अगर एआई कर रहे हैं, और नीचे छोटे कॉल सेंटर का काम, कंप्यूटर ऑपरेटर का काम, मुझको एक आर्टिस्ट चाहिए, डिजिटल आर्टिस्ट जो कंप्यूटर पे मेरे कहे मुताबिक बनाए। मैं कहूँ कि एक हिंदुस्तानी लड़की 25 से 30 साल उम्र की, हरे रंग की साड़ी पहनकर एक कैनवास पे पेंटिंग कर रही है, ऑयल पेंट है, ब्रश है, वो एक डूबते सूरज की तस्वीर बना रही है, बगल में फूलदान रखा हुआ है, खिड़की से डूबता सूरज दिख रहा है। इतना अगर मैं एक सिंपल आपका जो व्हाट्सएप है उसी में मेटा को खोल के अगर मैं इतनी जानकारी डालूं, तो 90% संभावना है कि मेटा मुझको पर्याप्त अच्छी लगने वाली तस्वीर बना देगा। फिर मैं चाहूँगा कि इस लड़की की साड़ी हरे से केसरिया कर दो, तो वो केसरिया कर देगा। मैं चाहूँगा कि आधा केसरिया और या 1/4 केसरिया और 3/4 हरा कर दो, ऐसा भी कर देगा। तो ये सिलसिला जो है ये जंगल के हिरण की तरह छलांग लगाकर इंसानों की बेरोजगारी की तरफ बढ़ रहा है। मैं बिना देर किए आज की ये बात पूरी कर रहा हूँ, इसलिए कि आज सुबह से हमारे इलाके में लगातार बिजली बंद हो रही है, बार बार। इस रिकॉर्डिंग के दौरान भी 4 बार बिजली बंद हो चुकी है। आज सुबह से मैं 2 अलग-अलग टीवी चैनलों के साथ कुछ रिकॉर्डिंग कर रहा था, 1 घंटे की उस रिकॉर्डिंग के दौरान कई बार लाइट बंद हुई। आखिरी में हमको दरवाज़े खिड़की खोलकर जो प्राकृतिक रोशनी उपलब्ध थी उसमें उस रिकॉर्डिंग को करना पड़ा। मैं सोच रहा हूँ कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अगर इन चीज़ों को इनका इंतजाम करते रहता तो हो सकता है कि ये बिजली कुछ कम बंद हुई रहती, हो सकता है कि हम रिकॉर्डिंग कुछ ज़्यादा अच्छे से कर पाते, हो सकता है कि रोशनी का इंतज़ाम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कुछ बेहतर हमको सुझा पाता। और एक बात कि सुबह से मैं अभी तक कई घंटे खड़ा हूँ, 2 घंटे मैं साइकिल चला चुका हूँ और कसरत कर चुका हूँ, थकान भी हो रही है थोड़ी सी खड़े खड़े। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अगर मेरी जगह रहे तो उसको ये थकान भी नहीं होगी। फिलहाल इसके पहले कि लाइट बंद हो जाए दोबारा, मैं इस बात को यहीं ख़त्म कर रहा हूँ। आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की संभावनाएं और उसके खतरे, आशंकाएं, इनके बारे में ज़रूर सोचिएगा, क्योंकि हमारी आपकी सबकी ज़िंदगी को प्रभावित करने जा रहा है। हम फिर मिलेंगे। आपको हमारा यूट्यूब चैनल इंडिया आजकल अच्छा लगता है तो इसको सब्सक्राइब कीजिएगा, नोटिफिकेशन की बटन दबाइएगा, लाइक कीजिएगा, टिप्पणी कीजिएगा, और बहुत संक्षेप में कह दूं कि अगर आप दोपहिए पर जा रहे हैं तो हेलमेट लगा कर रखिए, हेलमेट का बेल्ट बांध कर रखिए, किसी हादसे की हालत में वही आपको बचाएगा। मैं अपने आसपास रोज रोज ये पढ़ रहा हूँ किस तरह से 2 दोपहिए टकरा रहे हैं, कहीं 3 लोग मर रहे हैं, कहीं 4 लोग मर रहे हैं, बच कर रहिए। हम चाहते हैं कि आप हमारे से मिलते रहें इस पर।